दोस्तों, मन और मस्तिष्क एक है, यह प्रश्न कभी न कभी आपके दिमाग में अवश्य आया होगा। किंतु क्या आप जानते हैं फ्रेंड्स कि मन और मस्तिष्क में क्या अंतर है? यदि नहीं तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, और यदि हाँ फिर भी आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो में हमें कुछ बताना रह गया हो जो आपके अनुभव में आया हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज जानते हैं कि हमारे मन और मस्तिष्क में क्या अंतर है। दोस्तों, अक्सर मन और मस्तिष्क को एक दूसरे के पूरक के रूप में उपयोग किया जाता है, किंतु क्या यह एक है? जाहिर है नहीं, क्योंकि दोस्तों यदि यह एक होते तो मैं यह वीडियो नहीं बना रहा होता और आप यह वीडियो नहीं देख रहे होते। दोस्तों, मन का संबंध आत्मा से है, जबकि मस्तिष्क शरीर का एक अंग है। दोस्तों, मन अर्थात माइंड में विचार, चेतना, ज्ञान, इच्छाएं, अनुभव, अनुभूतियां और भावनाएं होती है, जबकि मस्तिष्क अर्थात ब्रेन शरीर के विभिन्न अंगों को तंत्रिका तंत्र द्वारा सूचनाएं पहुंचाने वाला यंत्र है। वास्तव में मन और मस्तिष्क उसी तरह होते हैं जिस तरह सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर होते हैं। अतः हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि मन सूक्ष्म शरीर का भाग है और मस्तिष्क स्थूल शरीर का भाग है। और चलिए दोस्तों, अब अपने मेन टॉपिक पर आते हैं कि क्या मानव मन और मस्तिष्क एक है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर मनुष्य के दो दिल होते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, दो दिल। पहला भौतिक हृदय अर्थात फिजिकल हार्ट, जो दिन रात शरीर में खून की आपूर्ति करता है, और दूसरा आत्मिक हृदय अर्थात स्पिरिचुअल हार्ट, जो मनुष्य के दयालु, करुण, कठोर और प्रेमी होने का प्रतीक है। दोस्तों, भौतिक हृदय पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं होता। यदि स्वास्थ्य के नियमों का उल्लंघन किया गया तो ब्लड प्रेशर का अनियंत्रित होना तय है, या शरीर का शुगर बढ़ा तो हार्ट अटैक आना तय है। किंतु आत्मिक हृदय पर मनुष्य चाहे तो नियंत्रण कर सकता है, किंतु अधिकांश मनुष्यों में यह भी नियंत्रण से बाहर होता है। दोस्तों, यह जो दूसरा हृदय है इसी को मन कहा जा सकता है। दोस्तों, मन शरीर के साथ आत्मा की अभिव्यक्ति अर्थात एक्सप्रेशन का माध्यम है, जबकि मस्तिष्क भौतिक जगत के साथ आत्मा के कर्म करने का साधन है। मस्तिष्क के अलग अलग भाग होते हैं जो मनुष्य के विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करते हैं। शरीर के विभिन्न भागों में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, किंतु मस्तिष्क तभी तक क्रियाशील रहता है जब तक शरीर में चेतना होती है। जैसे ही शरीर से चेतना निकलती है, मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। दोस्तों, यह चेतना ही है जो मन और मस्तिष्क को आपस में जोड़ती है। यह चेतना ही है जो भौतिक हृदय को आत्मिक हृदय से जोड़ती है। इसी चेतना को आत्मशक्ति, प्राण ऊर्जा आदि नामों से जाना जाता है। दोस्तों, जो अंतर आत्मा और शरीर में होता है, ठीक वही अंतर मन और मस्तिष्क में होता है। जिस तरह आत्मा शरीर नहीं है, शरीर का धारण करने वाला है, उसी तरह मन भी मस्तिष्क नहीं है, मस्तिष्क का धारक है। अर्थात जो कुछ भी आप देखते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, इच्छा करते हैं, अनुभव करते हैं आदि आदि, यह सब मन को होता है। किंतु स्मृति अर्थात मेमोरी के रूप में मस्तिष्क में संग्रहित अर्थात स्टोर होता रहता है। किंतु ध्यान रहे फ्रेंड्स कि मन आत्मा से अलग नहीं है, किंतु एक भी नहीं है। दोस्तों, मानव मस्तिष्क के मुख्य भाग को अग्रिम मस्तिष्क या प्रमस्तिष्क कहा जाता है। यह मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। यह मस्तिष्क का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, जो खोपड़ी के ठीक नीचे पाया जाता है। इसमें करोड़ों अरबों न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स की संख्या ही मनुष्य के बुद्धिमान और बुद्धिहीन होने का निर्धारण करती है। दोस्तों, जिस तरह शरीर की ताकत का अनुभव खून क्रियाशीलता से लगाया जाता है, ठीक उसी तरह मस्तिष्क की बुद्धिमत्ता का अनुमान इन न्यूरॉन्स की क्रियाशीलता से लगाया जाता है। जिनका खून ठंडा होता है, जिनके खून में उबाल नहीं होता, क्रियाशीलता नहीं होती, वह लोग अक्सर आलसी और डरपोक किस्म के पाए जाते हैं। उसी तरह जिन लोगों के न्यूरॉन्स भी ठंडे होते हैं, क्रियाशीलता नहीं होती, वह भी मंद बुद्धि पाए जाते हैं। अतः किसी का शक्तिशाली और बुद्धिमान होना उसके अपने हाथ में है। चाहे वो अपने खून और न्यूरॉन्स को क्रियाशील बनाकर वीर, साहसी और बुद्धिमान बने, या फिर ठंडे ही पड़े रहने देकर डरपोक, मूर्ख, चंपू और आलसी बने रहे, वो आपके
आपकी मर्जी। दोस्तों, छोटे बच्चे के मस्तिष्क के अधिकांश न्यूरॉन्स क्रियाशील होते हैं, अतः वह बहुत शीघ्रता से दैनिक जीवन के अनुभवों को ग्रहण करते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि एक बच्चे को जितना हम 10 साल में सिखा सकते हैं, उतना एक प्रौढ़ व्यक्ति को अगले 100 साल में भी नहीं सिखा सकते हैं। इसलिए बेकार की बातों में ध्यान देने की बजाय अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, जितना हो सके उसको समय दीजिए, नई नई चीजें सिखाइए, ताकि जब वह बड़ा होकर समाज में जाए तो कोई उसे मूर्ख ना कह सके। दोस्तों, किसी महान फिलोसफर ने कहा है कि महानता का बीज बचपन में ही बोया जाता है, बुढ़ापे में नहीं। दोस्तों, प्रमस्तिष्क के स्थान पर ही सूक्ष्म शरीर में सहसहार चक्र पाया जाता है, जो ब्रह्मांडीय शक्तियों का प्रवेश द्वार है। उसी के प्रतीक के रूप में सिर पर शिखा रखी जाती है। सहसहार चक्र सीधा सुषुम्ना कांड से जुड़ा रहता है, जिसमें प्राण ऊर्जा का आवागमन होता है। कुछ योगी लोग ध्यान योग अर्थात मेडिटेशन, चक्र जागरण इत्यादि क्रियाओं के माध्यम से प्राण ऊर्जा को प्रमस्तिष्क में पहुंचा देते हैं, जो वहां के सोए हुए न्यूरॉन्स को क्रियाशील बना देती है, जिससे उन्हें दैवीय बुद्धिमता या रिंत भरा प्रज्ञा अर्थात डिवाइन विजडम प्राप्त होती है। इस अवस्था का अपना ही एक अलग आनंद होता है। दोस्तों, हमारे साइंस के नजर से देखें तो सामान्यतः मनुष्य अपने मस्तिष्क का 5-10% तक का ही उपयोग करता है, किंतु जैसे जैसे वह अपने मस्तिष्कीय न्यूरॉन्स को क्रियाशील बनाता जाता है, उसकी बुद्धिमता निरंतर बढ़ती रहती है। जो कोई भी जागृत प्राण ऊर्जा का प्रयोग करना सीख जाता है, उसके लिए मानसिक शक्तियों के द्वार खुल जाते हैं। यह कोई आशीर्वाद और भीख नहीं है, अपनी ही मेहनत से कमाई हुई ब्रह्मांडीय पूंजी अर्थात कॉस्मिक कैपिटल है, सब विज्ञान है। और दोस्तों, चलते चलते आपसे कुछ पूछना चाहूंगा कि क्या आपने कभी इस प्रकार का कोई अनुभव किया है? नहीं किया तो विचार कीजिए। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस वीडियो के बारे में अपने विचार हमें कमेंट्स जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक कमेंट्स हमें अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और अध्यात्म से जुड़े हुए वीडियो देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।